أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, this is G.R. Mir from UPS, Nawabazar, Khumrial. It's class 6, the subject is math. Topic is mensuration, exercise 10.1. पिछले क्लास में हमने डियर स्टूडेंट्स डिस्कशन करी थी पैरामीटर के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व की थी. आज हम लेसन पे जाते हैं, एक्सरसाइज पे. 10.1 हमारा जो है ये फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स दी गई है यहाँ पर, इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने देखना है किसका कितना पैरामीटर है. सबसे पहली फिगर जो है डियर स्टूडेंट्स वो है इस तरह की है ये. तो इसका जो पैरामीटर है इस तरफ 2 सेंटीमीटर है, इस तरफ जो है 4 सेंटीमीटर है, इस तरफ जो है 1 सेंटीमीटर है, इस तरफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है. ये फिर इस तरह कर सकते हैं सॉल्यूशन में. पैरीमीटर ये है 4 सेंटीमीटर प्लस है 2 सेंटीमीटर प्लस है ये साइड 1 सेंटीमीटर प्लस है डाउन वाला ये 5 सेंटीमीटर. तो कुल मिलाकर जो इसका एरिया है 4 + 2 = 6 + 1 = 7 + 5 = 12. तो इसका जो पैरीमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है. सभी पार्ट भी इस तरह इजी है. बी पार्ट जो है इजी है, इसमें से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. ई पार्ट जो है आपका इस तरह की है, ये ई पार्ट है. ये फिगर जो है इस तरह है. रोशनी पड़े तो इसको हम देखेंगे. ये इसका ये साइड 1 सेंटीमीटर, ये साइड 4 सेंटीमीटर, इस तरफ 4 सेंटीमीटर, इस तरफ 0.5 सेंटीमीटर, इधर भी 0.5 सेंटीमीटर, इस तरफ 2.5 सेंटीमीटर, इस तरफ 2.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह करना है हमने यहाँ पर. पैरीमीटर से यहाँ से स्टार्ट करना है. हम कर सकते 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू. तो ये है 1, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 5, 5, 10 हो गया. ये वह 1, 9, 1 हो गया 10. सॉरी, इसको हम थोड़ा सा नए सिरे से कर सकते हैं. पैरामीटर इसका देखना है पहले. देखिए 1 सेंटीमीटर ठीक है, प्लस ये 4 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस ये
2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो इस अब हमने ऐड करना है। इस तरह है, 4, 1 और 4 हो गए 5, 5.5, 5.5 तो ढाई कितने हो गए, 5.5, 7.5 8, 8 दो 10 तो 10.5, 10.5 तो 5 हो गए, 10.5 हो गए 11, 11 और 4 मिलाकर हो गए 15 सेंटीमीटर इसका जो पेरीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर जो है इस फिगर का वो आ गया 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट जो है डियर स्टूडेंट वो ये है, ये आप इजीली कर सकते हो, तमाम पेरीमीटर जो है प्लस करके एट द एंड जो है ऐड करना है और वो जो आएगा इसका फिर आप लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टैप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड। जो लिड है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ 4 साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टैप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड। तो टैप कितनी चाहिए हमें, उसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्यूशन में हम जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ द लिड, ढक्कन जो है उसकी लेंथ जो है ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसका जो लिड है उसकी जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। एक ब्रेडथ, ब्रेडथ ऑफ द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स, ब्रेडथ जो है इस बॉक्स की लिड की वो है 10 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ और ब्रेडथ। लेंथ जो है बॉक्स की वो है 40 सेंटीमीटर लिड की, और जो ब्रेडथ है इसकी वो 10 सेंटीमीटर है। ये ढक्कन जो है लंबा जो है 40 सेंटीमीटर, और जो ये चौड़ा है ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमने करना है रुकायड, हमारी जरूरत है इसके लिए टैप, ढक्कन जो है पूरी तरह से बंद है टैप से। अभी हमने देखना है कि लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड जरूरत क्या है, इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब पेरीमीटर जो है पेरीमीटर ऑफ लिड जो है वो है 2 × length × breadth, लेंथ इंटू ब्रेडथ वो हो गया 2 × 40 प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × 10 प्लस 40 प्लस 10 हो गया 50 इज इक्वल टू
2050 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लेंगे, तो द टाइप रिक्वायर्ड जो है आप, देयरफॉर लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो टैप जो है इसके लिए हमें 100 सेंटीमीटर जरूरत है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जो है ये मैं सीधा करना चाहूँगा थोड़ा सा। ये है सपोज रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, इसकी जो लेंथ है वो 40 है, इस तरह जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमने पूरा जो है इनको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इस तरह ये साइड भी 40 है, ये साइड भी 10 है। तो एक तरीका है कि इनको हम ऐड करके 40 10 50 50 40 90 100। तो हम शॉर्ट लिया हम क्या करते हैं, इस तरह हमने किया था 2 into 40 plus 10। ये 2 जो है ये 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स इसके सेम है, ये साइड भी 40, ये साइड भी 40, ये साइड भी 10, ये साइड। तो इनसे हम शॉर्ट ये 2 लिखते हैं, इंटू 40 प्लस 10। जैसे इन दो को हमने आपस में ऐड किया, दो को हमने आपस में ऐड किया, ये हो गया इज इक्वल टू ये 2 40 प्लस 10 हो गया 50। तो इस तरह 50, फिर हम डायरेक्ट करते हैं 2 into 50 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है ये हमने इस और इस साइड को ऐड किया, ये जो दो साइड जो है ये फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2, तो ये बराबर 4 साइड आ गई 100 सेंटीमीटर। इस तरह भी हम कर सकते हैं, 40 जो हमने पढ़ा था 40 plus 10 plus 40 plus 10, तो ये भी 100 आता, ये भी 100 आता है। तो यहाँ पर 40 10 50 40 90 100, ये भी 100 आता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला के हिसाब से 2 into 2 साइड्स होते हैं। तो ये जो ये वन साइड जो है ये दो साइड्स और ये दो साइड, ये दो साइड्स को हम ऐड करते हैं, फिर ये दो साइड्स इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सेम वही हो जाता। तो थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन में हम एरिया के बारे में देखेंगे। थैंक यू।